अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। आज की इस वीडियो में हम मैटलैब के अंदर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक और एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में जो हमने मैट्रिक्स क्रिएट किया था, उस मैट्रिक्स के अंदर हम सेकंड, सेवेंथ और नाइन्थ एलिमेंट की प्लेसेस के ऊपर एलिमेंट्स को रिप्लेस करेंगे और उनको वैल्यूज़ प्रोवाइड करेंगे 20, 70 और 90। तो अगर मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो दिखाऊं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, लास्ट वीडियो में हमने ये वाली एग्जांपल कवर की थी, आपको याद हो तो हमने एक रो वैक्टर क्रिएट किया था, उसमें 10 इंटीजर्स दिए थे, फिर हमने उसकी थर्ड और सिक्स एलिमेंट को 20 वैल्यू से रिप्लेस कर दिया था। अब आप आज हम चाहते हैं कि इसके अंदर हम क्या करें। हमारा क्वेश्चन ये रहा, हम चाहते हैं कि हम 20, 70 और 90 वैल्यू प्रोवाइड करें सेकंड, सेवन्थ और नाइन्थ एलिमेंट को। तो आप अपने मैटलैब के अंदर क्या लिखेंगे, क्या टाइप करेंगे, आप मैटलैब के अंदर जाइए, वहाँ पर आप टाइप कीजिए आर वी राउंड ब्रैकेट्स कॉलन कॉमा स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप दीजिएगा 2, 7 और 9। इसका मतलब है आप 2 एलिमेंट, 7th एलिमेंट और 9th एलिमेंट की प्लेस को चेंज करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं 20, 70 और 90 की वैल्यू से। जैसे ही आप ये लिखकर एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का रिजल्ट शो होगा 1, 20, 20, 4, 5, 27, 8, 90, 22। हुआ क्या है कि 20, 70 और 90 ये वाली प्लेस, सॉरी सेकंड प्लेस ये वाली थी, ठीक है, ये रही सेकंड प्लेस, सेवन्थ प्लेस ये वाली और नाइन्थ प्लेस को हमने रिप्लेस किया है और इनकी वैल्यूज़ को चेंज किया है। उम्मीद करती हूँ एग्जांपल आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई तो आप इसको ट्राई करें मैटलैब के ऊपर प्रैक्टिकल करके देखें, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल फ़ाइज़ा वसीम को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।